हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हमने लास्ट में एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन 1 के 1 एंड 2 एंड क्वेश्चन 2 का 1 एंड 2 दोनों हो गया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। क्या दिया है हमें, डायमीटर कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, मास हमें क्या दिया है, डेंसिटी कितनी दी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम। और वैसे भी हमें मास फाइंड करना है, डेंसिटी दी है। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमें डेंसिटी दिया है, ठीक है, मास हमें फाइंड करना है। अगर हमारे पास वॉल्यूम होगा, डेंसिटी ऑलरेडी दिया है, मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम होगा तो मास मिल जाएगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 4.2, उसका हाफ क्या होता है, 2.1 सेंटीमीटर, जिसे मैं 21/10 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, मास, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या दिया है, तो डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल। मेटालिक बॉल मतलब कि वो स्फीयर होता है, ठीक है। मेटालिक बॉल क्या होता है, एक स्फीयर ही होता है, ठीक है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में पाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेने को नहीं बोला है, तो हम क्या लेंगे, 22/7, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 एज इट इज, पाई क्या लेंगे हम, 22/7, आर क्या है, 21/10 क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स, ठीक है। अब 7 3 21, और ये 3 3 कैंसिल, ठीक है। अब ये 10 10 10 को ऐसे ही रखो, ठीक है ना, 22 4 18, ठीक है। एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 21, दैट इज 441 डिवाइड बाय 10 10 10, 3 टाइम्स 10 है तो क्या हो जाएगा, 1000। 88 into 441 into 88 8 20 32 32 plus 3 35, अगेन 3 5 2 8, 8 plus 2 10 5 2 7 8 5 3 8 3 8 8 0 8 3 8 8 0 8 divided by 1000। अभी ना ये देखो, इसे मैं पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखो मास चाहिए, तो मैं डेंसिटी के फॉर्मूला में यहाँ पे रखूंगी, तो मुझे डिवाइड में यहाँ पे पॉइंट लिखूंगी, फिर वहां पे फिर से उसे डिवाइड बाय 1000 लिखना पड़ेगा, तो ऐसे इसे ऐसे ही रखो, ठीक है। देखो ये किस में आएगा, ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक हो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पहले हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगी और फिर वो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे रखूंगी, तो फिर से उसे मुझे डिवाइड बाय 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, तो इससे बेटर है कि पहले ही ऐसे ही रखो, क्योंकि हमें फाइनल
अगर फाइनल आंसर ये वॉल्यूम चाहिए होता तो मैं इसे पॉइंट्स में डेसिमल में कन्वर्ट कर देती। ठीक है, हमें चाहिए मास, उसके लिए डेंसिटी क्या दी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 8.9 तो डेंसिटी आएगा 8.9। 8.9 को मैं क्या कर सकती हूँ, 89/10 लिख सकती हूँ। डेंसिटी 8.9 था, उसे मैंने क्या लिख दिया 89/10 इज इक्वल टू मास। पहले तो देखो मुझे मास चाहिए ना, तो पहले मैं मास को ऐसे ही रखती हूँ, वॉल्यूम को इस साइड लेके आती हूँ, तो क्या मिलेगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब डेंसिटी कितनी है 8.9, उसे क्या कर दूंगी 89/10 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है 38808 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब 10 और 1000 को कीप इट एज इट इज, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, फिर 10 एंड 1000 है तो 4 डिजिट के बाद डायरेक्टली हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो 3880 मल्टीप्लाई बाय 89, 38808 मल्टीप्लाई बाय 89 ना। अब ये क्या है 1000 मतलब कि 10,000, अब 40 से तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, कितने डिजिट के बाद लगाएंगे 4 डिजिट के बाद, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 3 के बाद। ठीक है, 345.3912। ठीक है, अब आपको डेंसिटी का यूनिट क्या दिया है, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स की सेंटीमीटर क्यूब है वो वॉल्यूम क्या है और ग्राम किसका है मास का, तो हमें मास किसमें मिलेगा ग्राम, किसमें मिलेगा ग्राम। ठीक है, क्लियर, ठीक है, लिख लो सब। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Moon का diameter कितना है? Earth के diameter से 1/4। ठीक है? तो हम पहले ऐसे लिखेंगे कि diameter of moon is equal to dm. Diameter का dm का moon. ठीक है? फिर हम लिखेंगे डायामीटर ओ अर्थ इज इक्वल टू डी ई।
ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ डी एम, डायमीटर ऑफ मून डी एम। हमें क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, सॉरी अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से क्या है 1/4 है, तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 मतलब क्या आएगा डीई अपॉन 4, क्या आएगा डीई अपॉन 4, क्योंकि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है तो वो कितना आएगा डीई अपॉन 4। ठीक है, इससे पहले मैं ऐसे लिखती हूँ, देखो डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी एंड डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डी। ना मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से क्या होगा 1/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द मून का हमें क्या फाइंड करना है फ्रैक्शन। ठीक है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें पता है कि अर्थ एंड मून हम स्फीयर जैसे ले लेते हैं शेप में। ठीक है, उसे स्फीयर है ऐसा मान लो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। हमारे पास डायमीटर है तो हम क्या कर देंगे, डायमीटर इज इक्वल टू, सॉरी रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी अपॉन 2, आएगा ना डायमीटर का हाफ, एंड रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू डी अपॉन 4 था उसका हाफ करेंगे तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, डिवीजन में 2 आएगा तो डिवीजन में 4 है, वहां पर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 2 4 8। ठीक है, अब हम पहले दोनों का क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखो हमें फ्रैक्शन चाहिए तो डायरेक्टली दोनों का हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे रेशियो। ठीक है, तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून बोला है ना, तो ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून कितना है, 4/3 πr³। आर एम क्यू लिया है, रेडियस ऑफ मून, आर एम मतलब रेडियस ऑफ मून। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई इज इक्वल टू डी अपॉन 2 एंड रेडियस ऑफ मून दैट इज आर एम इज इक्वल टू डी अपॉन 8। ठीक है, नाउ इसका आएगा 4/3 π अर्थ का पाई आर ई क्यू। ठीक है, अब वैल्यूज को कर, देखो 4/3 π तो दोनों में कैंसिल हो गया, 4/3 π ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, अब आर एम क्या है, डीई अपॉन 8 तो उसका क्यू है, तो डीई अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय डीई अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय डीई अपॉन 8 अपॉन डीई अपॉन आर ई है ना, आर ई क्या है डीई अपॉन 2 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अब चलो ऊपर नीचे डी डी तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, डी डी गया डी डी गया डी डी गया। ठीक है, अब ये 2 2 2 वो ऊपर सबसे चला जाएगा और 8 उसके क्या आएगा डिवीजन में, तो 3 टाइम्स 2 2 2 डिवाइड बाय 8 8 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम कैंसिल कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन छोटा सा हो जाएगा, 2 4 8 2 4 8 2 4 8। ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा 1, नीचे 4 4 16 16 4 16 64। दिस इज द आंसर फ्रैक्शन। ठीक है, मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम से 1/64 जितना होगा, इतना फ्रैक्शन होगा। क्लियर, ठीक है, लिख लो सब ये क्वेश्चन नंबर 4। हो गया सबका, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन फाइव क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, लीटर्स आया तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। और हेमिस्फेरिकल बाउल यहाँ पे बोला है, देखो क्या बोला है, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, लीटर है तो वॉल्यूम और शेप क्या है, हेमिस्फीयर, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसके लिए हमें डायमीटर दिया है, उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, हमें क्या दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर, इसे हम रेडियस में करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला देखो मैंने लिखवा है, क्या होता है, 2/3 πr³। यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई पाई की वैल्यू लेने को नहीं बोला है, तो हम क्या लेंगे, 22/7, ठीक है ना, 2/3 π = 22/7 और रेडियस कितना है, 5.25, इसे मैं 525/100 लिख दू, ठीक है, और क्यूब है तो 3 times 525/100, 525/100, 525/100, ठीक है, ये 7 से डिवाइड करो तो 7 × 7 = 49, 3 बचा 35 हुआ, 7 × 5 = 35 होगा ना, 25 × 3 = 75 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 25, अगेन ये 25 × 4 = 100, ठीक है, 2 × 2 = 4, 11 × 2 = 22 हो गया, क्या बचा, नीचे सिर्फ 100 100, ऊपर 11 525 एंड 525 करें उसका, ठीक है, 100 100 की भी टेस्ट है, 525 × 525 525 × 5 = 0, सिंगल 0, 10 + 2 = 12, 5 = 10, 2 + 4 + 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 10, 10 + 2 = 12, 5 × 5 = 25 + 1 = 25, 2 × 5 = 10, 10 + 6 = 16, 3 + 2 = 5, 6 + 1 = 7, 2 × 7 = 5, 6 × 5, 2 × 7 = 5, 6, अच्छा अभी 11 बाकी है ना, 2 × 7 = 5, 6 × 5, अभी ये 11 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 + 5 = 27, 11 × 6 = 66 + 2 = 68, 11 × 5 = 55 + 6 = 61, 11 × 7 = 77, 77 + 6 = 83, 11 × 2 = 22 + 8 = 30, 3031875, 3031875, ये 100 100 मतलब कि 10,000, ठीक है, 10,000 है तो 4 digit के बाद पॉइंट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 के बाद आएगा तो 303.1875, अब ये दोनों किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क,
तो इससे पहले सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर। ठीक है, हमारे पास मैंने आपको कैपेसिटी लिखवाई थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर लिखवाया था। ठीक है, क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 3034.1875 लिखने की जरूरत है, सिर्फ 2 डिजिट लिखोगे तो चलेगा। पॉइंट के बाद के इतने सारे डिजिट ना लिखो, सिर्फ कोई भी 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट कोई भी नहीं, पहले 2 डिजिट लिखोगे तो चलेगा। तो 303.18 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा, 303.18 × 1 / 1000 आएगा। अब 1000 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 3 डिजिट यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आएगा 0.303। फिर ये फिर 1 8 भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा 0.303 लीटर। इतने लीटर में है वो बाउल में आ पाएगा, 0.303 लीटर। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, लिख लो सब। ये एक्सरसाइज 13.8 में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सिलेबस में था, बाकी के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 सिलेबस में से कैंसिल है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 13.8 फिनिश होती है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज यहां तक रखते हैं।